गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू जीके क्लास. टुडे वी विल डू पेज नंबर 26, 27, 28 and 29. फर्स्ट ओपन पेज नंबर 26. टुडेज वीडियो वी विल डू अबाउट रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइव्स. एज यू नो दैट साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एवरीवेयर you can see science around you. So today's topic is chemistry. Chemistry is full of mystery. So uses of chemistry in our life. First is, what is the chemical name of preservative that is added to preserve squashes for long time? Squashes, jams ko long time tak preserve karne ke liye usme kya use kiya jata hai? Potassium natabisulfite, KMS. Science mein bhi karte ho na. जैम सॉस को प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहे, ख़राब ना हो, तो उसमें क्या ऐड करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. नेक्स्ट इज़, विच फाइबर इज़ कॉटन मेड अप ऑफ? कॉटन इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. कॉटन इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. व्हाट डू सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोलास कंटेन इन सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज? जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला या फिर ओड्यूज, जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा केमिकल होगा? कैफीन. विच आयरन बेस्ड अलो कंटेनिंग क्रोमियम एंड कार्बन इज रेजिस्टेंट टू रस्टिंग? यू ऑल नो अबाउट अलॉयज. अलॉयज दैट इज मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल. मतलब एक मेटल मेटल के साथ कंबाइन होगा या फिर मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में. तो यहाँ आपको दे रखा है क्रोमियम और कार्बन जब मिलते हैं तो एक इससे ऐसा अलॉय बनेगा जो कार्बन को, जो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करता है. सो क्रोमियम एंड कार्बन को मिला करके जो अलॉय बना दैट इज़ अ स्टील. स्टील क्या करता है? स्टील जैसे आप स्टील के नाइफ यूज़ करते हो तो उसमें वो जल्दी से रस्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज, विच प्रीशियस मेटल्स कंपाउंड आर यूज इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में किस मेटल का यूज़ किया जाता है? सिल्वर. आपको पता है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, लेड, ये सब मेटल्स हैं, बट फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर का. विच माइक्रो एलिमेंट्स आर नीडेड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. माइक्रो एलिमेंट्स मीन स्मॉल अमाउंट में इनको ऐड किया जाता है सॉइल में टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने का मतलब ताकि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो. तो किसको ऐड करेंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. Which is the most commonly used source of energy for cooking and lighting purpose in rural India? Rural areas में cooking के लिए जो source of energy use किया जाता है that is biogas. Biogas बनाई कैसे जाती है? Waste of animals and जो vegetable का waste होता है उससे बनती है biogas. Waste of animals. और rural areas में इसका use कहाँ करते हैं? Cooking purpose के लिए. बायोगैस जब रेडी हो जाती है तो वो पाइप के थ्रू किचन में उनकी जाती है, तो इससे इसका यूज़ करते हैं वो बायोगैस का कुकिंग के लिए. विच केमिकल इज़ यूज टू कोट द टेप ऑफ टेप रिकॉर्डर? नाउ कम टू पेज नंबर 27. टेप रिकॉर्डर में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर. एंड फेरोमैग्नेटिक पाउडर इज़ फेरो मीन्स आयरन का एक फॉर्म है, ये आयरन का कंपाउंड होगा फेरोमैग्नेटिक. तो टेप रिकॉर्डर में किसका यूज़ किया जाता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर का. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एलपीजी? फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एंड कंपोजिशन मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या ऐड होता है? ब्यूटेन, हेप्टेन एंड पेंटेन. ब्यूटेन, हेप्टेन, पेंटेन, दीज ऑल आर एल्केन. एल्केन मीन्स कार्बन इसमें अरेंज होंगे और सिंगल बॉन्ड से. जैसे ब्यूट, ब्यूट मीन्स फोर कार्बन अरेंज होंगे, हेप्ट मीन्स सेवन एंड पेंटा मीन्स फाइव. तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ये.
तो एलपीजी की जो कंपोजिशन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एलपीजी? ब्यूटेन, हेप्टेन एंड पेंटेन. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, हेप्टा मीन्स 7 एंड पेंटा मीन्स 5 कार्बन. ये अरेंज होते हैं सिंगल बोन से. नेक्स्ट, विच एसिड डजंट कंटेन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किस में नहीं होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं आ रही. तो आपको इनमें है तो ये सारे एसिड, बट फर्स्ट जो HCl है उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही. नेक्स्ट है, विच एटॉमिक रिच मिनरल्स इज लार्जली फाउंड इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिच मिनरल कौन सा है? दैट इज थोरियम. एटॉमिक रिच मिनरल इज फाउंड इन इंडिया इज थोरियम. नेक्स्ट, वाई इज हीलियम प्रेफर टू हाइड्रोजन इन एयरशिप्स? एयरशिप में हाइड्रोजन गैस को क्यों प्रेफर करते हैं? हीलियम को प्रेफर करेंगे देन हाइड्रोजन. एयरशिप्स में हीलियम इज प्रेफर्ड. हीलियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं हाइड्रोजन की बजाय. किस लिए? बिकॉज इट डजंट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर. क्योंकि एयर के साथ मिक्स होकर के ये एक्सप्लोजिव नहीं क्रिएट करता. एक्सप्लोजिव जैसे बॉम्ब में, एक्सप्लोजिव का मतलब लाइट के साथ साउंड को प्रोड्यूस करना. जब बॉम्ब डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइट भी दिखाई देगी आपको और साथ में साउंड भी सुनाई देती है. बट हीलियम जो है एयरशिप में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सप्लोजिव नहीं क्रिएट करता एयर के साथ मिक्स होकर के. विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटरिंग ऑफ आईज व्हेन वी चॉप अनियंस? अनियन चॉप करते हैं मीन्स अनियन को जब कट करते हैं तो आपकी आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है. तो अनियन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आपके आई से वॉटर आना स्टार्ट हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड? डायमंड. डायमंड इज द, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट किस में होंगे? डायमंड में. कार्बन के बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट किस में होते हैं? डायमंड में. विच इज़ द मेन केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन? ह्यूमन किडनी स्टोन हो जाता है जब, तो उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड मिलता है? कैल्शियम ऑक्सालेट. कैल्शियम मीन्स Ca एंड ऑक्सीजन के साथ बनाता है कैल्शियम ऑक्सालेट. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी. As you can see here that this is a picture of hospital. As you can see, there are various chambers and specific techniques given है कि कहाँ पर किस chamber में क्या किया जाता है. Chamber means यहाँ पर doctor बैठते हैं, different specialized होते हैं वो. फर्स्ट, दिस टेक्निक इज़ यूजफुल इन असर्टेनिंग वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट फंक्शनिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट्स एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ वेव पैटर्न. हार्ट से रिलेटेड जब कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है दैट इज ECG. एंड वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECG? ECG मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट. हार्ट की एक्टिविटी जो रिकॉर्ड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैटर्न, दिस इज नोन एज ECG. नेक्स्ट है, दिस टेक्निक हेल्प इन डायग्नोसिंग सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एपिलेप्सी. इन दिस टेक्निक ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरोन्स द ब्रेन सेल इज रिकॉर्डेड. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरोन्स मतलब नर्व सेल्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसे ब्रेन सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी, ये डिजीज है एक, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, चेक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है जो हम पढ़ते हैं दैट इज EEG. EEG मीन्स, ई मीन्स इलेक्ट्रो,
इंसेफलोग्राफी, इंसेफलोग्राफी मीन्स जो ब्रेन का इसके अंदर चेक किया जाता है, ब्रेन सेल्स को रिकॉर्ड कर। दिस टेक्निक इज़ यूज टू इवेल्युएट मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, दस डिटेक्टिंग गोल ब्लैडर, स्टोन्स, लीवर एंड किडनी एबनॉर्मेलिटीज एंड ऑल्सो मोनिटरिंग फीटल ग्रोथ। इन दिस टेक्निक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज एज इन सोनार फॉर इमेजिन द बॉडी ऑर्गन्स। द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज कन्वर्टेड इन टू डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर दैट इज रन ओवर द एरिया बींग इमेज्ड। ट्रांसड्यूसर क्या होता है एक्चुअली में? इलेक्ट्रिसिटी से ये डिवाइस वर्क करता है, गोल ब्लैडर मीन्स जो पिताशय होता है उसको चेक करते हैं इसके अंदर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, अल्ट्रासाउंड मतलब कोई डिफरेंट तरह की जब डिजीज़ होती है, लाइक आपके गोल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या फिर फीटल, मतलब जब मदर चेक कराने के लिए जाती है अपने बेबी को तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड मतलब 3 मंथ्स के बाद में, ताकि बेबी की ग्रोथ को देखा जा सके, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस टेक्निक अलोज डॉक्टर्स टू डायरेक्टली कीप इनटू द पेशेंट्स बॉडी ओनली होलो ऑर्गन्स लाइक फूड पाइप, विंड पाइप, ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड टूल विच कंसिस्ट ऑफ लाइट एमिटिंग फाइबर्स, व्यूइंग लेंस एंड अ स्टीयरिंग डिवाइस ऑन वन एंड बिसाइड व्यूइंग सर्जिकल अटैचमेंट्स ऑन इट एंड हेल्प इन परफॉर्मिंग माइनर ऑपरेशंस। इस टेक्निक में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स की बॉडी के अंदर पीप करना, पीप मीन्स उसके अंदर देखना, झांकना बॉडी के अंदर, स्पेशली जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उन ऑर्गन्स के अंदर कुछ नहीं है, जैसे फूड पाइप है, ये पाइप हमारी होलो है, अंदर से खाली है, विंड पाइप है, तो इन ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, जो होलो ऑर्गन्स है जो खाली है अंदर से, उन ऑर्गन्स को चेक करने के लिए जो डॉक्टर ट्रीट टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या हो, फिर वह क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स के अंदर, ये एंडोस्कोपी का मतलब स्टीयरिंग होती है इसके अंदर, स्टीयरिंग जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, उस तरह से डॉक्टर इसका यूज़ करके आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को चेक करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 29। दिस टेक्निक इज़ इम्पोर्टेंट इन द इवेल्युएशन ऑफ हेड, चेस्ट, स्पाइन्स ऑर्गन्स एंड द एब्डोमन लाइक लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रीज, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल्सो पेल्विस। इट कैन ऑल्सो एक्यूरेटली डिपिक्ट एबनॉर्मेलिटीज विद इन द बोन मैरो, आर्टेरीज। दिस टेक्निक यूटिलाइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स एंड कंप्यूटर्स टू जनरेट इमेज ऑफ द बॉडी इन प्लेन। आपके हेड को, चेस्ट या फिर ऑर्गन्स को देखने के लिए, लाइक लीवर है, गोल ब्लैडर है, किडनीज है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इन सबको चेक करने के लिए, पैनक्रियस है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। एंड टेक्निक इज़ MRI means magnetic resonance imaging। रेडियो वेव्स और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इसके अंदर, ताकि कंप्यूटर पे इमेजेस दिखाई देती हैं, जो भी आपके बॉडी पार्ट को चेक करना है, जैसे हेड को चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर इमेजिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन्स फॉर evaluating the extent of trauma, injuries and disease progression. It allows physicians to view wafer thin cross sections of internal anatomy all without the need of surgery.
इमेजिन कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्सरे विद हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क. सो दिस इज सीटी स्कैन, दैट मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, मतलब कंप्यूटर से स्कैन किया जाता है जैसे एक्सरे वगैरह करते हैं. तो इस टेक्निक में बॉडी ऑर्गन्स को इवेल्युएट किया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स या कोई डिजीज है, इंटरनल एनाटॉमी को चेक करने के लिए बिना सर्जरी किए इंटरनल ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं. दिस टेक्निक हेल्प इन द क्रशिंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स एंड स्टोन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक गोल ब्लैडर और लीवर बाय शॉक वेव्स. इट डजंट रिक्वायर सर्जरी, इट इज सिंपल शॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर दैट रिक्वायर्स नो फॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन. जैसे कोई स्टोन हो जाती है तो स्टोन को रिमूव करने के लिए बिना सर्जरी करे स्टोन को रिमूव करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. एंड दिस टेक्निक इज लिथोट्रिप्सी. ठीक है, लिथोट्रिप्सी में क्या करते हैं, बिना ऑपरेट करे बिना सर्जरी करे स्टोन को रिमूव किया जाता है. लास्ट इज दिस टेक्निक इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर ऑफ मेडिकल इमेजिंग. इट यूजेज अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस टू प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर. इट इज ऑफन यूज टू हेल्प डायग्नोज फ्रैक्चर्ड बोन्स, लुक फॉर इंजरी एंड टू लोकेट फॉरेन ऑब्जेक्ट इन सॉफ्ट टिश्यूज. सो दिस टेक्निक इज एक्सरे. एक्सरे में क्या करते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो जाती है कोई बोन, लास्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, या फिर आपकी बॉडी को चेक करना है कि उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट एंटर ना करके जो आपके लिए हार्मफुल हो, फॉरेन बैक्टीरियाज जो हैं लाइक पैथोजेंस जो डिजीज क्रिएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एंटर ना करके हो, तो उसको चेक करने के लिए एक्सरे की जाती है. तो ये सब टेक्निक्स हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं टू चेक वेरियस डिजीज इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में अगर अलग तरह की डिजीज़ हो जाती है तो उनको चेक करने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक का यूज़ किया जाता है. एंड ये सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, इन्होंने स्पेशल स्टडी की होती है इस बारे में, तो इसीलिए उनके चैम्बर के बाहर राइट किया होता है ये इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं. ठीक है, जैसे आप जाते हो तो कहीं ENT मतलब जो ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर होते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड जो हैं वो स्पेशल आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को चेक करने के लिए होते हैं और वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. तो इन्होंने स्पेशल अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर रखी होती है. तो टुडे योर वर्क इज़ यू हैव टू राइट एंड लर्न पेज नंबर 26, 27, 28 एंड 29. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.